स्टूडेंट्स उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करें और इसके साथ बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलेगी और आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आड़ू। यानी आप आज आड़ू के कुछ फायदे जान सकेंगे और इससे बनने वाले कुछ घरेलू टोटके जिनको आप मुख्य बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आड़ू को अरबी में खोफ, फारसी में शफ्तालू, सिंधी में शफ्तालू और अंग्रेजी में पीच कहा जाता है। आड़ू की दो शामें होती हैं, एक चिपटा और दूसरा लंबा गोल मखरूटी शक्ल का। इसका रंग सब्ज कदरे सुर्खी माइल होता है, जबकि इसका जायका श्री मिजाज दर्द और तर होता है, दूसरे दर्जे में होता है। इसकी मकदार खुराक 7 दाना तक है। इसके फवाइद आप अभी जान सकेंगे। आड़ू के अज्जा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए और सी, कैल्शियम, फोलाद और फास्फोरस शामिल होता है। ये मैदा जिगर के लिए मुफीद है, खून के जोश को कम करता है, प्यास को तस्कीन देता है। डायबिटीज या डायबिटिक में लोगों के लिए मुफीद है। आड़ू त्रिपुरावी बुखार में भी मुफीद है। इसकी गुठली का रोगन, पाइल्स यानी बवासीर, कान के दर्द, बहरेपन में बेहद मुफीद है। कान दर्द की सूरत में सिर्फ 2 कतरे रोगन काफी हैं, आड़ू के रोगन के काफी हैं। पेट के कीड़े खत्म करने के लिए इसके पत्तों को रगड़ कर छान कर पिलाने से फायदा होता है। आड़ू का रस दांतों पर मलने से दांत मजबूत होते हैं। आड़ू के इस्तेमाल से गर्मी का बुखार ठीक हो जाता है। आड़ू हर्निया के इब्तदाई मर्ज में बेहद मुफीद है। 2 तोला आड़ू के पत्ते पानी में जोश देकर 2 तोला शहद मिलाकर 5 दिन में 3 बार पीने से हर्निया वहीं रुक सकता है। मुंह की बदबू को दूर करता है। आड़ू खून की सर्कुलेशन के लिए, मैदे के लिए, जिगर के लिए मुफीद है। आड़ू के गुदे की चटनी बनाई जाती है जो बेहद लजीज है। आड़ू के 2.5 पत्ते और 1 काली मिर्च को रगड़ कर पीने से पुराना बुखार भी दूर हो जाता है। आड़ू गर्म और बल्बी मिजाज वालों के लिए बिल्कुल मखसूस है, बिल्कुल बेहतर है। इसका इस्तेमाल जो है वो इनके लिए बेहतर होगा। आड़ू के पत्ते 3 तोला और पानी 2.5 तोला रगड़ कर इस शेख को पिलाने से, जिसे सांप जान के चांद या फिर पूरे साल बाद काटता हो, इस हिसाब से निजात दिलाने में मुफीद है। दिमाग की गर्मी को दूर करता है। इसके लिए एहतियात की भी जरूरत है। फल हमेशा पका हो, ताज़ा खाना चाहिए। सर्द मिजाज वालों के लिए ये नुकसानदेह हो सकती है। बाज़ात इससे फालत, लकवा, रेशा और असाबी कमजोरी की भी वजह हो सकता है। ज़्यादा सर्द मिजाज वालों के लिए इसे एहतियात से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप इसके बेनिफिट के अलावा इसके इस्तेमाल में भी एहतियात की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके फ़ायदे भी हैं, थोड़ा सा नुकसान भी है। तो ये मोस्टली इन लोगों के लिए है जो सर्द मिजाज वाले लोग हैं, उनको इस्तेमाल करने में थोड़ा इसके लिए एहतियात बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, थैंक्स फॉर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से मुतल्लिक आपको जो भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट में इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक या कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि आपके लिए उस वीडियो को बनाया जा सके और आप वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें वीडियो के ज़रिए। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट शेयर करना चाहूँगी कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करें।
अगर फ्रेंड्स किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते हैं तो किसी के लिए मुश्किल भी पैदा नहीं करें। लाइक अगर आप किसी जॉब की जगह पर हैं, ग्रुप में हैं, कहीं भी हैं, तो अगर कोई इंसान दूसरे के लिए नेगेटिविटी फैला रहा है तो प्लीज़ कभी उसकी नेगेटिविटी में शामिल नहीं हो। लाइक अगर आप उसके साथ मिलकर उस बात पे हंस रहे हैं या अगर आगे कहीं शेयर कर रहे हैं, तो आप इस तरह भी एक वो कर्ज जो वो इंसान ये गलती करके अपने ऊपर ले रहा है, आप उस कर्ज में शामिल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो अपने आप को वहाँ से, ग्रुप से, वहाँ जगह से दूर कर लें, ताकि आप उस कर्ज में जो वो इंसान खुद गलती करके इसमें शामिल हो रहा है, आप कभी इसमें शामिल ना हो। और कहते हैं कि गलती जो है कर्ज है, तो आप उस गलती का कर्ज अपने ऊपर कभी ना लें, क्योंकि कहते हैं कि इस गलती का कर्ज जो है अगर इंसान खुद नहीं भुगतता तो उसकी आने वाली नस्ल या उसके करीब रहने वाले लोग उस कर्ज को भुगतते हैं। तो फ्रेंड्स इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ उस नेगेटिविटी की जगह से, वहाँ नेगेटिव लोगों से और इस चीज़ से खुद को दूर करें, क्योंकि गलती से उस इंसान की लाइफ तो बर्बाद होगी, लेकिन आप उस गलती करने वाले के इंसान की गलती का कर्ज जो है वो अपने ऊपर भी ले लेंगे। तो ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से दूर हो जाएं जो नेगेटिविटी फैला रहे हो या दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो, तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कमेंट के ज़रिए और आगे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करके।